नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे फार्मा स्टॉक की जिसके लिए पिछला अगर आप पूरा एक साल देखेंगे, बल्कि साल क्या उससे भी पीछे थोड़ा 2-3 साल देखेंगे, स्टॉक ने अपने निवेशकों को मैं कहूँगा सिर्फ निगेटिव रिटर्न ही नहीं दिए दोस्तों। क्योंकि निगेटिव रिटर्न तो ये होते हैं कि नीचे जाता है स्टॉक फिर वापस ऊपर आ जाता है। ये 2 साल में अरविंदो फार्मा में इस स्टॉक की मैं आज बात करने वाला हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी है वो है मैनेजमेंट क्राइसिस आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दिखी है वो है जो ट्रस्ट होता है दोस्तों, भरोसा, ये अपने निवेशकों का भरोसा लगातार खोता चला जा रहा है दोस्तों। और दिल्ली का केस हो, लगातार एफडी अप्रूवल हो, एफडी अप्रूवल नहीं बोलना चाहिए, लगातार एफडीए से ऑब्जर्वेशन इश्यूज आना हो, और अब जो मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा आपके साथ, ये कह सकते हैं आप एक और बुरी खबर निवेशकों के लिए निकल के आ रही है। यानी निवेशकों को कहीं से भी कोई भी राहत इस स्टॉक में मिलती हुई नजर नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है, ये स्टॉक ने अपने निवेशकों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है दोस्तों। ठीक है, लगातार एफडीए इश्यूज। देखिए, फार्मा कंपनीज को एफडीए के इश्यूज आना ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप कह लीजिए थोड़े बहुत इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन पिछले कई महीने समय से और विंडो फार्मा के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि चाहे एफडीए अप्रूवल्स हो, अगर एफडीए अप्रूवल्स हो वो न के बराबर हो गए हैं। ठीक है, आप कह लीजिए एफडीए के से लगातार यूएस एफडीए से लगातार इश्यूज आ रहे हैं, कंपनियां जो अरविंदो फार्मा है वो अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल करते जा रही हैं सब स्टैंडर्ड इश्यूज के कारण। इतना ही नहीं दोस्तों, जो एफडीए के इश्यूज हैं अब इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक बार फिर ये चीज मैं आपको बता दूं, जब आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूं, एक और बड़ी प्रॉब्लम कंपनी के सामने खड़ी हुई है। इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, ठीक है, आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.14% की गिरावट देखने को मिली है, ऊपरी स्तरों से गिरा फिर वापस उठने की कोशिश किया, लेकिन एक समय फिर निगेटिव में ही यहाँ पे आपको बंद देखने को मिला। स्टॉक 450, जी हाँ दोस्तों, जो 450 का लेवल है ना, इसे बचाने की बहुत बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। और ये जो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, Q2 में खराब नंबर्स। ठीक है, और देखिए इश्यूज इतने सारे हैं अरबिंदो फार्मा के पास, और एक मैं जो कह सकते हैं ना दोस्तों सिल्वर लाइनिंग मैं ये कहूंगा कि जो तमाम निगेटिविटी है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में लगातार आपके सीधे प्राइजन होती चली जा रही है। आप देखिए अगर इसके इश्यू प्राइसेस को देखिए, देखिए सबसे पहले आता है इसके जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसे रिकॉल किया गया यूएसए से, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट रिकॉल किया गया। उसके बाद प्रॉब्लम आती है जो यूएस एफडीए का इश्यूज है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आज 2 ऑब्जर्वेशन कोई कभी इनके जो इंजेक्टेबल्स है वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यूएस एफडीए यूरोपियन जो एजेंसीज हैं लगातार यहाँ पे कंसर्न अपने रेस करती जा रही थी। फिर प्रॉब्लम आती है दोस्तों किस चीज की, यूएस से जो प्राइसिंग पावर है दोस्तों, ठीक है, जो प्राइसिंग इरोशन है वो लगातार उठना। और देखिए अरबिंदो फार्मा के लिए 2 मार्केट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला यूएस दूसरा यूरोप, और दोनों ही जगह पे आपको पता होगा यूरोप का क्या हाल हो रखा है, वहां पे मार्जिन के इश्यूज आ रहे हैं, यूएस पे मार्जिन के इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है कि प्राइसिंग पावर कंपनी लगातार लूज करती जा रही है और प्राइस इरोजन लगातार आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी के लिए ये सिरदर्द लगातार बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अब अरबिंदो फार्मा के लिए आप कह सकते हैं जो एक मैनेजमेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, आपको पता हो या ना हो मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली का दोस्तों, ठीक है, दिल्ली का जो लिकर केस है इसमें इनके जो डायरेक्टर हैं उनको उठा लिया गया। ठीक है, डायरेक्टर थे या कुछ बहुत ही घने कुछ रिलेशन था, मैं भूल रहा हूँ, वहां पे उनको गिरफ्तार कर दिया गया। सडन रिएक्शन आया, अरबिंदो फार्मा का स्टॉक क्रैश कर गया 450 के, अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये उठा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है शायद शायद मंडे को
एक बड़ी गिरावट और आपको औरबिंदो फार्मा में शायद देखने को मिले। क्या है वो प्रॉब्लम, देखिए चलते हैं। एक और बड़ा यूएस एफडीए का इश्यूज को देखने को मिल रहा है। आप देखें, औरबिंदो फार्मा अनाउंस दैट द यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टेड द कंपनीज यूनिट और 11-9 एन इंटरमीडिएट फैसिलिटी सिचुएटेड एट गुंडला मचोर विलेज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। 10 नवंबर से 18 नवंबर को ये पूरा चला है दोस्तों इंस्पेक्शन, यानी कल तक की बात है, एकदम ताज़ी खबर है दोस्तों। क्योंकि मैं बता दूं, ये जो आपको यूनिट 11-9 दिख रही है ना, यूनिट 9 में अभी इंस्पेक्शन हुआ है, क्योंकि परसों ही यूनिट 11 में इंस्पेक्शन पूरा हुआ था। एक और इंस्पेक्शन यूनिट 9 की यहाँ बात हो रही है, तो शायद आपको लग रहा होगा ये तो हो चुका है, नहीं, ये दूसरी दोस्तों यूनिट है, वहाँ से यहाँ पे भी बहुत सारे इंस्पेक्शन के लिए जो ऑब्जर्वेशन मिल गया। एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन द कंपनी हैज बीन इशूड अ फॉर्म 483 विद 10 ऑब्जर्वेशंस। इन द कंपनीज व्यू दीज ऑब्जर्वेशंस आर प्रोसीजर इन नेचर एंड नॉट रिलेटेड टू डेटा इंटीग्रिटी। द कंपनी रिस्पॉन्ड टू द यूएस एफडीए विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन एंड शैल वर्क क्लोजली विद द एजेंसी टू एड्रेस द ऑब्जर्वेशंस एरर लिस्ट। प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों, लगातार नेगेटिविटी स्टॉक में फैलती चली जा रही है, निवेशक परेशान हैं, कई निवेशक 800-900 रुपए तक में इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, ये बात मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो ये मैनेजमेंट क्राइसिस कंपनी ने खड़ा हो गया है, कंपनी में खड़ा हो गया है, प्लस निवेशकों का जो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रस्ट है वो इतनी बुरी कदर से दोस्तों हिल चुका है कि इसमें निवेश करना आज के समय में लोग निवेश से पहले बहुत बार सोचेंगे। और देखिए, अभी अगर मैं टेक्निकल बेसिस में बात करूं तो जो औरबिंदो फार्मा है उसके लिए 450 का लेवल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 410 से लेकर के 430 के आसपास आप कह सकते हैं एक बार अपने निवेशकों को ये यहां तक अपने शेयर प्राइस यहां तक ले जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे नहीं रही है दोस्तों। एक ऑब्जर्वेशन हटती है, दूसरी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले कुछ एक अप्रूवल इसके पास आया है, लेकिन दोस्तों इतनी नेगेटिविटी है ना कि शायद इस अप्रूवल के, ये जो कह लीजिए जो ये एफडी का एक और अप्रूवल, एफडी का एक और इशू आ गया है, वो उस खबर को दबा ले जाए। एक सिर्फ पॉजिटिविटी ये है कि शायद स्टॉक बहुत ज्यादा टूट चुका है, तो एक बहुत ज्यादा निगेटिव असर ना दिखाई दे, स्टॉक थोड़ा गिरने के बाद एक बाउंस बैक कर जाए पूरे दिन भर में ही। लेकिन मुझे लगता है यदि आप औरबिंदो फार्मा में निवेश करने की सोच रहे हैं, आप एक चीज याद रखिएगा, आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो कंपनी बहुत बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही है, मैनेजमेंटल क्राइसिस से गुजर रही है, तो इसमें निवेश करना काफी रिस्की रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो निवेशक जो काफी डिफेंसिव रहना पसंद करते हैं, वो निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो इस स्टॉक से प्लीज प्लीज दूर रहे दोस्तों, ठीक है। स्टॉक, मैं आपको एक चीज समझा दूं, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर इन स्तरों पे निवेश करेंगे तो मुझे लगता है यहां से डाउनसाइड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 to maximum 20-25% की गिरावट होगी, लेकिन समय बहुत लगेगा आपको ऊपर जाने में स्टॉक को। लेकिन अगर आप आज से 2-3-4 साल बाद देखेंगे तो आपके पैसे एटलीस्ट डबल हो जाएंगे, ये बात की मुझे लगता है पूरा भरोसा, क्योंकि गारंटी आज के बाजार में नहीं देना चाहिए, इसीलिए भरोसा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद एक बड़ा लंबा कंसोलिडेशन फेज आपको स्टॉक में देखने को मिले, जो ऑलरेडी पिछले काफी समय से चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगा, इसमें निवेश से पहले बहुत बार सोचे दोस्तों, क्योंकि स्टॉक अभी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता है जहां रिस्क हाई रहता है वहां रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा रहता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।